अस्सलाम वालेकुम, हेलो गाइस, वेलकम टू रानीज़ गार्डन। देखिए हमारा पर्सलेन और भोरचूला का एकदम जंगल की तरह फैला हुआ है। इसको मैं कोई खाद कुछ कोई केयर इनकी करती नहीं हूँ, बस ये है फुलडेशन में रखे हुए हैं ये, और पानी दे देती हूँ जब इनकी मिट्टी सूख जाती है तो मैं पानी देती हूँ। और इधर देखिए हमारे कटिंग से लगे हुए नाग चंपा कितने बड़े बड़े हो रहे हैं। अब इनको लोगों को ये रहता है कि पॉट रहते हैं उनके पास तो प्लांट्स नहीं रहते हैं, मेरे पास इतने ज़्यादा प्लांट लगे हुए हैं कटिंग्स, चूँकि मैं लगाती रहती हूँ और मेरे पास पॉट्स कम पड़ जाते हैं। और ये देखिए ये भी न्यू कटिंग लगाई थी सारी, तो इनकी ग्रोथ देख लीजिए और इनका कलर देख लीजिए, इनका कलर देख लीजिए, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और ये देखिए इस वाले पॉट में हमारे मैं बराबर निकालती रहती हूँ ये घास, पर इतनी ज़्यादा उगती है ये देखिए। अभी थोड़ा सा देख के भी निकालना रहता है इस वजह से कि कहीं प्लांट भी साथ में न चला है, लेकिन वो जो आना था वो जड़ वो नहीं आई। मैं जब किसी वक्त फ्री होंगी, और इसमें देख लीजिए इसमें बराबर से लगी हुई है। वजह यह है ये हमारा टेरेस गार्डन है तो मेरा आना बहुत कम होता है, और जैसा कि आप सबको ही पता है कि मैं अपने घर की अकेली हूँ तो मैं किन किन चीज़ों पर ध्यान दूँ। और मैं टेरेस पर चढ़ के आई हूँ तो देखिए मेरी सांस भी चढ़ गई है। और देखिए ये भी मैंने सब नई कटिंग लगाई थी, अभी कोई एक हफ्ता हुआ है, कितना अच्छा सा ये सारे ये हमारे ग्रो बैग हैं चावल वाले, इनमें नीचे कंपोस्टिंग हो रही है, ऊपर मैं सब कटिंग लगा देती हूँ, ये सारा किचन वेस्ट इसमें रहता है। और ये देखिए वो जो लीफ कटर होता है जिसको हम लोग अपनी आम जबान में बोट बोलते हैं, और ग्रास होपर, वो आया है, उसने खूब अच्छे से इसकी कटिंग करी है। और ये देखिए इसमें रेन लिली में भी बहुत वीड उगाई है। एक दिन मैंने सारी वीड जो है रिमूव करी थी, आप लोगों के साथ वीडियो भी शेयर करी थी, लेकिन ये वीड जो है इनमें बीच बीच में ग्रो हो जाती है, बिल्कुल पता ही नहीं चलता है। लेकिन अब चूंकि हम लोग गार्डनर हैं तो हम लोगों को पहचान है कि वीड क्या है और प्लांट जो हैं वो क्या हैं, तो हम लोग इस तरह से देखिए इसकी भी पूरी जड़ नहीं आई है। चलिए मैं फिर किसी वक्त करूँगी सब। अच्छा इधर मेरा अडेनियम देखिए, इस अडेनियम में क्या है कि मैंने जो है इसको रिपोर्ट कर दिया था, तो रिपोर्ट के बाद पत्तियां येलो हो के और गिर जाना ये आम सी बात है, इसमें कोई फिक्र वाली चिंता वाली बात नहीं है, कोई बात नहीं। ये पत्तियां और फिर पत्तियां इतनी ज़्यादा हैं भी इसमें, और ज़्यादा अच्छा भी नहीं होता है अडेनियम में हंसे ज़्यादा पत्तियाँ होना, तो ये पत्तियाँ जो है रिमूव हो रही, कोई बात नहीं। और इधर देख लीजिए इस वाले अडेनियम में मेरे कलियां आ गई हैं और इसमें फ्लावरिंग हो चुकी है। और मैं यहाँ से दिखाऊं इस तरह से, ये देखिए मेरा टेरेस गार्डन। ज़्यादातर प्लांट तो हमारे हमारे ग्राउंड फ्लोर पे रखे हुए हैं। वजह क्या है कि अगर टेरेस पे मैं गार्डनिंग करूं तो फिर बड़ी ज़्यादा देखभाल करनी पड़ती है। अब मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए जैसा कि आप लोगों को पता है, जो हमारे रेगुलर व्यूवर हैं उनको पता है कि इस बार मेरे यहाँ बहुत ज़्यादा अटैक किया इन पे गुड़हल पे मिली बक्स ने, तो मैं इनको बराबर कट करती रही। मैं इतना तंग आ गई कट करके क्योंकि जितनी मैं कटिंग करती थी इनकी टिप्स की, तो इनकी टिप्स में तो कलियाँ बनती हैं, तो कलियाँ बनने की नौबत ही नहीं आती थी, और बिला वजह कि मैं इनकी इतनी देखभाल कर रही थी। फिर अभी तकरीबन एक हफ़्ता हुआ होगा और मैंने इनकी सब की हार्ड प्रूनिंग कर दी, देख लीजिए इनको सबको हार्ड प्रून करके और मैंने लाके टेरेस पे रख दिया। मैंने कहा ना कहीं कोई कली है ना कहीं कोई फूल है, और बिला वजह जगह भी घेरे हुए हैं। और देखिए जब से ये सब ऊपर आए हैं तो मुझे तो खैर यहाँ कहीं मिलीबग नज़र नहीं आ रहा है, बारिशें नहीं हो रही, बादल ऐसे बने हुए हैं देख लीजिए जैसे लगता है बरसेगा तो जल थल सब एक हो जाएगा, इतने ज़्यादा बादल बने हुए हैं और बारिशों का कहीं अता पता नहीं है, बस फुहारे पड़ती हैं, छींटे पड़ती हैं और बस हो जाता है। हमारी रिश्तेदारी सारी लखनऊ में है, तो लखनऊ से जब फ़ोन वगैरह आते हैं बहुत बारिश हो रही, तो बस वहाँ हो रही बारिश और हम लोग बिल्कुल नज़दीक में हैं, यहाँ बारिश नहीं होती। ये देखिए यहाँ पे ये है सॉन्ग ऑफ इंडिया, इसकी भी मैंने कटिंग लगाई है अभी 3-4 दिन पहले, जिस दिन मैंने इसको कट किया है सारा गुड़हल कट किया उसी दिन मैंने इसकी भी कटिंग करी थी,
और इसको मैंने लगाया है, कटिंग लगाई है, इजीली इसकी कटिंग लग जाती है। देखिए एकदम पॉट सूखे पड़े, और मैं जो ऊपर लेके आई हूँ तो ये पॉट ने अपनी जगह भी छोड़ दी है, क्योंकि मैं उठाती ही इस तरह से हूँ अपने प्लांट को, इस तरह से करके मैं उठा लेती हूँ, तो वो जगह छूट गई। कोई बात नहीं, पानी नहीं पड़ेगा, सब सही हो जाएगा। इस तरह से यहाँ तक मैंने अपने, ये देखिए ये सारे गुड़हल रख दिए हैं, अब इनकी ग्रोथ हो जाएगी। ये देखिए कौवा कितना निडर है, और पता नहीं कहाँ कहाँ जा जा के बैठ रहा। और मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए ये इसकी कटिंग मैंने कर दी थी, हार्ड प्रूनिंग करी थी। ये हमारा वो है बोगनविलिया। पता नहीं क्या गंदी आदत है मेरी, जब मैं वीडियो बनाने लगती हूँ तो मुझे जल्दी से ज़बान पे नाम नहीं आते। यूँ तो मुझे दुनिया जहान के प्लांट्स के नाम पता, मोस्टली पता रहते हैं, अब ये भी नहीं कि मैं सब जानती हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा पता है, लेकिन जब मैं वीडियो बनाने लगती हूँ तो ज़बान पे आते नहीं, पता नहीं क्या। और ये देखिए लीव सब येलो हो रहे हैं नाग चंपा की, तो इनको मुझे रिमूव कर देना हर हाल में। और ये देखिए कौवे, पता नहीं क्या छिपकली का बच्चा लेके गया, चलो अच्छा है, बहुत छिपकलियाँ हो रही हैं मेरे घर में हद से ज़्यादा। और इधर देखिए वो लगी है स्वीट पोटैटो वाइन इसके नीचे। अच्छा ये देखिए, इसको जब हम इसकी पत्तियाँ तोड़ते हैं एक दूध सा निकलता है, तो जब भी आप इसकी चंपा की कटिंग लगाएं, चंपा की कटिंग बहुत इजीली लगती है, बस थोड़ी सी केयर ये करनी है आपको अडेनियम ही की तरह, कि आपको सेम डे इसकी कटिंग नहीं लगानी है। आज आपने इसको कट किया, और कट करके 2, 4 दिन, 6 दिन, 8 दिन, हफ्ता, महीना कितना भी ये रखा रहेगा, जितना ही ज़्यादा इसका मॉइस्चर सूख जाएगा आपकी कटिंग उतनी ही जल्दी ग्रो हो जाएगी। तो क्योंकि मैंने किया है, ये मेरा एक्सपीरियंस है, तो इस तरह से आप सेम डे न लगाएं, क्योंकि इसमें होता है दूध, तो दूध की वजह से फंगस जल्दी लग जाती है। और ये देखिए यहाँ पे ये हमारा पॉइंसेटिया, ये देसी वाला पॉइंसेटिया है, बीज गिरा है, प्लांट तैयार हो गया है। ये देखिए सारे हमारे बोगनविलिया, इनके सबकी मैंने हार्ड प्रूनिंग कर दी है, अब इसमें नए नए शूट्स आएंगे, जो शूट आएंगे वो फ्लावरिंग और कलियाँ लेते हुए आएंगे। ये देखिए सब इधर सदाबहार वगैरह लगा हुआ है। इधर मैंने इसको इसकी जगह बदली थी, तो ये भी थोड़ा सा शौक में है। ये हमारा क्या बोलते हैं इसको, गुलमोहर। तो देखिए इस पे चीटे भी हो रहे हैं, इस तरह से थोड़ा सा सफाई भी करने वाली है टेरेस की, लेकिन बस कुछ हो नहीं पाता, पता नहीं क्या इसमें है जो चीटे आ रहे हैं। और ये देखिए इसकी टहनियाँ सूखी सूखी, इनको मैं किसी वक्त आके चलिए, यूँ ही टूट गया। तो सूखी टहनियाँ और ये सूखी हुई पत्तियाँ, वीडियो ब्लर हो रही है अब सही है, तो पता नहीं क्यों मुझे पसंद नहीं है, ज़रा भी पसंद नहीं है। इधर हमारे देखिए टिकोमा का, जिसको गोरी चोरी बोलते हैं, उसका प्लांट लगा हुआ है। और इधर हमारा लगा है कैना लिली, ये भी पता नहीं क्यों बर्न हो रहा है, इतनी तेज़ धूप ही हो रही है। और इधर हमारा ये भी एक कैना लिली लगा हुआ है, एक इधर लगा हुआ है, साथ ही साथ हमारे सब सदाबहार लगे हुए हैं, इनको मैं रिमूव नहीं करती हूँ, मुझे बहुत पसंद है। और इधर देखिए ये ध्वजा लगा हुआ है, जिसको वो बोलते हैं मोर पंखी। तो देखिए इसमें इसके सीड हैं, मैं डालती रहती हूँ, मुझे आज तक सीड से वैसे कोई प्लांट दिखा नहीं, हो सकता है बारिश के बाद कुछ नज़र आए। इधर हमारी मिनिएचर वाली कामनी है, तो ये बहुत अच्छे से फल फूल नहीं पा रही इस बार, लास्ट ईयर इसमें बहुत फ्लावरिंग हुई, तो वजह क्या है, टेंगल हार्ड ने इसको घेर रखा है, तो मैं किसी वक्त टेंगल हार्ड रिमूव कर दूँगी, इसमें थोड़ी सी खाद दे दूँगी, तो शायद इसमें फ्लावरिंग हो, क्योंकि यही टाइम इसकी फ्लावरिंग का है। और मैं क्या दिखा दूँ आपको, अच्छा आइए आपको दिखाती हूँ। देखिए ये हमारा तकरीबन 35 से 40 साल पुराना ये हमारा यूफोबिया मिली, लेकिन ऐसी नौबत इसमें कभी नहीं आई, ये लगता है इस बार बिल्कुल ख़राब हो गया। देखिए बीच बीच में इस पर फंगस भी हो गई है, और ये एक बहुत बड़ी बकेट थी जिसमें मैंने इसको लगाया हुआ था, और इसमें घास ने, देखिए पूरी घास ने इसमें घर बना लिया है। और इत्तेफाक से मैंने इसकी कहीं कटिंग नहीं लगाई है, और मैं सोच रही हूँ किसी दिन मैं सीज़र लेके आऊँ, इनको सबको कट कर दूँ, जड़ से अगर कोई नया शूट, कोई नया कल्ला फूटना होगा तो फूट जाएगा, फुटावाना होगा, वरना तो समझ लीजिए ये गया। इधर देख लीजिए ये हमारा बिल्कुल पिलपिला सा हो गया था अडेनियम, तो मैंने इसको ला के टेरिस पर रख दिया था, ये मैंने ऑनलाइन मंगाया था, उन्होंने मरियल सा दिया ही था मुझे, लेकिन मैंने सोच के ये रख दिया था कि चलो चलना होगा तो चलेगा, लेकिन मुझे लग रहा है इसमें नया शूट आ रहा है, कोई बात नहीं, बचना होगा बच जाएगा। ये देखिए मैंने मो पीकॉक बनाया था उससे जेड से,
तो देखिए इसी में टेंगल हार्ट भी बहुत लगी हुई है, तो इसका शेप कुछ अच्छा सा दिख नहीं रहा। और ये एक पीकॉक मैंने यहाँ पे बनाया था तो बंदरों ने इसकी सत्या लगा दी, देखिए बहुत बंदर आजिश करते हैं। इधर हमारे सारे जेड ही लगे हुए हैं और ये हमारी कटिंग्स जो मैंने लगाई थी, कटिंग से सारे प्लांट तैयार हो गए हैं चंपा के। बस इस तरह से सब गार्डनिंग हो रही है। और दिखाती हूँ, इसका प्लांट भी एकदम सूख गया है, इसको मैं थोड़ा दूर करती हूँ, बारिश होगी तो शायद पानी पड़ेगा, वरना इसके नीचे था ये, इसके नीचे चंपा के नीचे, तो बारिशों का पानी नहीं मिल रहा था। और ये ट्रेलीज मैंने बनाई थी, इसकी वीडियो भी मैंने शेयर की थी, घर के कबाड़ से ही बनाई थी। और यहाँ पर मैंने अपराजिता के प्लांट लगाए थे जो धीरे धीरे ग्रो हो रहे हैं, तो ये जब ग्रो होकर ये चढ़ जाएंगे इस तरह से तो बहुत अच्छे लगेंगे। इधर नाग चंपा, इधर मधु कामिनी, इधर यूफोबिया मिली, इधर गत्ते में भी हमारे वही लगा हुआ है मोस रोज़। तो बस इसी तरह से, और मैं दिखाती हूँ आपको, देखिए कितनी अच्छी ग्रोथ हो रही है सूखने के बाद, प्लांट सूखने के बाद इसमें नए नए इतने सारे कल्ले आ गए। ये हमारा हरसिंगार। और एक चीज़ मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखिए ये हमारा, ये मैंने बनाया था, क्या बनाया था, बोनसाई। तो इसकी खूबसूरती तभी पता चलेगी जब आप इनकी एक्स्ट्रा की लीफ को रिमूव करते रहेंगे, क्योंकि अगर ये लीफ आ गई और इन चोटियों को इन्होंने घेर लिया तो फिर कहाँ से कुछ पता चलेगा। तो टाइम टू टाइम इसकी जो है पिंचिंग ज़रूरी है, तो इसको आप पिंच करते रहें। और देखिए इसका लुक कितना अच्छा आ रहा है, ये देखिए मैं भी पूरा दिखाती हूँ। और ये देखिए इधर भी हैं नए नए शूट निकल आते हैं, जाहिर बात है टहनियाँ हैं इनकी तो इनमें शूट तो आ ही जाएंगे। तो इस तरह से देखिए, ये देखिए ये सारी जो छोटी छोटी पत्तियाँ हैं इन सबको रिमूव कर देना है, वरना यही छोटी छोटी पत्तियाँ बड़ी बन जाएंगी, फिर आपके प्लांट का शेप बर्बाद हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा इस तरह से। ये देखिए मैंने एक स्टिक पे जो है ये चोटियाँ लपेटी थी, धागे से लपेट दिया था। आप लोगों ने इस वीडियो को पसंद भी बहुत किया था। और ये देखिए ऊपर से मैंने कट कर दिया था, बंदरों ने गिराया पड़ाया ये सब करते हैं बंदर। और इस तरह से देखिए एक इस तरह से तैयार हो गया है, थोड़ा सा इस तरह से फैला देंगे, अच्छा सा शेप आ जाएगा। ये थोड़ा सा और बढ़ जाएगा तो फिर मैं क्या करूँगी, इनकी फिर से जो है प्रूनिंग कर दूँगी, तो ये अच्छा दिखेगा। ये देखिए इस तरह से लग रहा है ना, बहुत प्यारा था। तो छोटे 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 एफर्ट डाल के हम अपनी गार्डनिंग को और खूबसूरत बना सकते हैं। तो वीडियो देखिए 12 मिनट की हो गई है, तो चलिएगा इस वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, और मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बादल बहुत गड़गड़ा रहे हैं लेकिन बारिशों का कहीं अता पता नहीं है, हो जाएगी बारिश तो हमारे प्यासे जो प्लांट हैं इनको भी पानी मिल जाएगा। तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें, विद ऐड देखें, प्लीज़ आप विद ऐड देखें, ऐड को स्किप ना करें। कुछ ज़्यादा टाइम के एक दो मिनट के ऐड होते हैं, लंबी लंबी वीडियोस आप लोग देख लेते हैं तो फिर ऐड भी स्किप ना किया करें प्लीज़। तो बिना ऐड स्किप किए वीडियो देखें, और वीडियो पूरी देखें, स्किप कर कर के ना देखें, वरना फिर वीडियो की रीच पे फ़र्क पड़ता है। आपका मन नहीं है वीडियो देखने का, कोई बात नहीं, आप वीडियो चला के मोबाइल रख दीजिए और वो जो है वॉच टाइम मिलता रहेगा, ये कुछ तरीके होते हैं। तो चलिए कोई बात नहीं, और कहना हमारा काम होता है और अमल करना आप लोगों का काम है, जैसा सही लगे आप कर लीजिएगा। और वीडियो पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और छोटी छोटी कटिंग्स लगा के इसी तरह से गार्डनिंग भी करते रहिएगा। टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।